तोमा से आप मुखातिब हो रहे हैं आज के क्राइम फ्री भारत सेशन पर। मैं डॉक्टर एस तोमर हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं डॉक्टर तोमर को अलग से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को जो है ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर एस तोमर एक बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने भोपाल में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक लंबा जो है समय काल बिताया है। वो तमाम पदों पर रहे हैं और विशेष तौर पर एग्रीकल्चर को एक एक रूरल इकोनॉमी को एक दूसरे आयाम पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्राइम फ्री भारत का प्रयास है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो वर्क कर रहा है वो रूरल इकोनॉमी पे काम कर रहा है। हाउ वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इनपुट इन रूरल एरियाज एट द सेम टाइम फ्रीइंग द अवर एग्रीकल्चर फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड। और इसमें जो गोबर का जो गाय का जो गोबर है उसमें कैसे माइक्रोब्स और कैसे बहुत सारी चीजों को इनग्रेड करके हम एक जीवित जो है एग्रीकल्चर कर पाएंगे, कैसे हम एक कंपोजिट एग्रीकल्चर का एक कॉन्सेप्ट सामने लेके आए जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी होंगे, न्यूट्रिशस प्लांट्स भी होंगे, खाद्यान्न वाले सीरियल प्लांट्स भी होंगे, सीरियल क्रॉप भी होंगी, और उसमें एक रोटेशन के हिसाब से जो बैलेंसिंग है वो भी लाई जाएगी, और हमारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है हम इतनी मात्रा में जो है ना तैयार करेंगे जिससे कि जितनी भी जमीन पे हमें पेड़ उगाना है उस सब के लिए पर्याप्त ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास हो। उसके लिए जितनी गायों की आवश्यकता है वो बैकवर्ड कैलकुलेट की जाएंगी, और उसमें जो फॉरेस्ट रेसिड्यू है, क्रॉप रेसिड्यू है, गाय का मूत्र है, वो सब चीजों को, और उसके ऑन द टॉप ऑफ इट हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे जिससे कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसमें कि गाय जिसमें कि सॉइल डिफिशियंट है तो सॉइल स्पेसिफिक फर्टिलाइजर फैक्ट्री वी विल ट्राई टू रीच आउट। इससे जहां हमको एक तरफ जो है बहुत सारी कॉस्ट का इनपुट घटेगा, हम सीड्स के लिए भी जो है ना इनपुट घटाने के लिए और हाई वैरायटी लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो और फाइनली हम उनको कल्टीवेशन से लेके हर चीज में मदद करेंगे और बाद में हम उसके उनके प्रोसीड की मार्केटिंग में भी मदद करेंगे और हर प्रोडक्ट अपने निस वैल्यू पे बिकेगा। अभी प्रोडक्ट जो है मंडी पे जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। ये तमाम बातें हम करेंगे। उसके पहले मैं डॉक्टर तोमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सब जो अपने लफ्ज में अपने अनुभव को बताते हुए एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें जिससे कि आपकी शख्सियत की सही जानकारी जो ऑडियंस हैं उनको मिल सके। डॉक्टर तोमर कृपया अपना माइक ऑन करके अपना परिचय दें, और जब इसके बाद फिर मैं एक बार पुनः खाका खींचूंगा और फिर इसके बाद पर मैं एक बार पुनः काफी दूंगा और फिर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सदाचारी सिंह तोमर है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक एवं प्रिंसिपल साइंटिस्ट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश शासन भोपाल में ज्वाइंट डायरेक्टर और एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर के पद पे रहा हूँ। मेरा लगभग 40 साल का अनुभव है कृषि और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और पर्यावरण में। मैंने लगभग 25 किताबें हैं जिसमें 21 किताबें मेरी पीएचडी स्तर के इंजीनियरिंग के विषय के छात्रों के लिए है और 4 पुस्तकें मेरी भ्रष्टाचार भोगा हुआ यथार्थ पर है जो मैंने शासन में देखा है, पकड़ा है और भोगा है। इसके साथ ही मैं मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो 34 साल की उम्र पर ज्वाइंट डायरेक्टर नियुक्त हुआ था। इतने यहाँ 50 साल की उम्र हुए लोग ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, और
देश का एकमात्र इंजीनियर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड दो बार इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। मेरी जो भ्रष्टाचार की पुस्तकें हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई हैं, ये मेरी वेबसाइट में भी हैं www.corruptionandcorrupt.com में। और मैं पर्यावरण पे पर्यावरण पर किया है उसके बारे में ये मैं थोड़ा बताऊंगा, जैविक खेती में जो मैंने काम किया है वो भी बताऊंगा, और साथ में वर्तमान में जो हम लोग पर्यावरण सुधार के लिए क्लाइमेटिक चेंज में ठीक ठाक होने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। पहला तो मेरा उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सघन खेती है या इंटेंसिव फार्मिंग है, वो इंटेंसिव फार्मिंग से जो हम केमिकल फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज और पानी ये डालते हैं उत्पादकता तो बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी आती है, और उसके साथ में इंटेंसिव फार्मिंग में हमारे केमिकल भी बहुत सारे रिलीज होते हैं, और ये केमिकल न केवल खेत के फसल में आ जाते हैं, जैसे मैं खाद की ही बात लूं, यूरिया अगर डालते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ये लीज भी होता है और फसल में भी जाता है। इसी तरह पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, रोडिसाइड, ये जो जहरीले रसायन हैं जैसे BSC DDT या आजकल के तो और जहरीले रसायन हैं, ये कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो ये न केवल आज खेत में हैं या खेती में डालकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हैं, बल्कि माताओं के आजकल के दूध में भी टॉक्सिसिटी लिमिट से ज़्यादा मात्रा में ये माताओं के दूध में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें हमने प्रोडक्टिविटी के अंधी दौड़ में ये नहीं देखा है कि जहर कितना घोल रहे हैं कृषि में, हम लोग प्रोडक्टिविटी पर, क्योंकि वो आवश्यक भी था, अगर अच्छा उत्पादन नहीं होगा तो लोग खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, उनको अनाज भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग पूरी तरह अपने को केमिकल फार्मिंग पे पहुंचा दिए हैं। और इसके संदर्भ में मैंने पहले से भी, मैं जब से स्टार्ट किया 78 की बात है, जब मैं ऑल इंडिया माइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से वैज्ञानिक बना था, तो तभी से मैंने ये देखना चालू किया था कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने पर हमारे कौन कौन से रसायन हैं, कौन कौन से केमिकल हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, या कौन कौन से ऐसे कीटनाशक हैं जो हमारी दवा खेत में जहर उड़ेल रहे हैं। तो प्रारंभ से ही ये जो मेरी धारणा थी वो बलवती हो गई, दिनों मैंने इसको ये पाया कि प्रोडक्टिविटी है पर हमारा जो जहर है वो भी खेतों के माध्यम से दांतों तक पहुंचकर हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए हमने जैविक खेती के तरफ भी अपना ध्यान दिया, जैविक खेती में केचुए से हमने खाद बनाई, जैविक खेती में कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, जैविक खेती में जो बायोगैस प्लांट है उसकी स्लरी का इस्तेमाल किया, और ये देखा कि जो हमारे प्रोडक्शन है वो ठीक तो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो रही है। तो उसके लिए भी हमने काम किया, जो राइजोबियम कल्चर है या आजकल के और बहुत सारे कल्चर आ गए हैं जो केमिकल फ्री हैं और खेत का उत्पादन बढ़ाते हैं। इसी संदर्भ में हमने 5-स्टेज जैविक खेती का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें नीचे हमने हल्दी बो रखी है, ऊपर सतह पर धनिया और मेथी वो रखी है, उसके ऊपर एक 5-6 फीट के ऊपर जाल लगा करके, मतलब लकड़ी का वो बिछा करके, उसमें सेम है या खीरा है ऐसी चीजें चढ़ा करके वहाँ उत्पादन ले रहे हैं, लौकी भी, और इसके भी ऊपर हमने देसी पपीता वो रखा है, वो पपीता 8-10 फीट ऊपर जाने के बाद
फलने लगते हैं, तो वो चौथा स्टेज हुआ। और पांचवें स्टेज में हमने उसके भी ऊपर बांस लगा दिया है। तो ये पांच स्टेज की जैविक खेती करते हैं। यद्यपि जैविक खेती उतना उत्पादन तो नहीं देती, और पौष्टिकता के दृष्टिकोण से ये ठीक है, साथ में जहर नहीं आता हमारे शरीर में। और चूंकि हमारा लार्ज स्केल में ये जैविक खेती यहाँ नहीं हो रही है, तो दूसरे देशों की तरह हम टैगिंग भी नहीं करवाते कि ये हमारा जैविक उत्पाद है या ये हमारा रासायनिक खेती का उत्पाद है। अन्यथा इसका कीमत भी हम बहुत सारा बहुत अच्छा ले सकते हैं, और वो एक लिंकेज डेवलप करना की आवश्यकता है, और हम लोग उसका भी प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जो हमको कंपोस्ट की उत्पादन है, कंपोस्ट का बनाना है गाय भैंस इनके गोबर से लेकर के, और उसमें हम और घास फूस जो विकार का कचरा होता है, जैविक कचरा, वो सब मिला करके एक ढेर डालते हैं, तो वो 6 महीने 8 महीने में कंपोस्ट बन जाती है। इसी तरह हम लोग केचुआ ला करके वेटनरी यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क में पिछले 2 साल पहले लाया था, तो वो केचुए डाल करके, वो भी अच्छी वैरायटी के भी हैं, देसी भी हैं, उसको डालने से और चीजें वो पत्ती ये सब भूसा डालने पे, हरी चारा डालने पे वो अच्छा उत्पादन करते हैं और अच्छी सी खाद बना देते हैं। उस खाद को जब हम खेतों में डालते हैं तो वो उत्पादकता तो बढ़ती ही है, साथ में केचुए जो अभी नष्ट हो चुके हैं लगभग, केमिकल फार्मिंग के खेतों में आप देखें तो केचुए जो जमीन को उर्वरक क्षमता उसके बढ़ाते हैं और एरिएशन भी बढ़ाते हैं, मतलब हवा भी जड़ों तक पहुँचाते हैं, जमीन को उर्वरी करते हैं, वो सब मर गए थे। जैविक खेती के खेत में 2-3 साल से भी जो हमने नई पद्धति वहाँ चालू की है, तो केचुहे भी अब अच्छे वहाँ होने लगे हैं, तो स्वतः ही जमीन को भुरभुरा बना देते हैं, और इस कंडीशन के कारण जमीन में हमको अच्छा उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले साल हमने ये देखा कि धान का, हम लोग संसार भर में, भारत देश हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए बदनाम है, वो दो कारणों से है। एक तो जो कैटिल है, मैंने चौपाए हैं, जो गोबर पागुर करते हैं, मतलब रिम्यूनेंट एनिमल हैं, वो अपने पागुर करने वाले एनिमल मीथेन निकालते हैं, और साथ ही हमारे जो धान की खेती है वो भी मीथेन निकालती है। तो पिछले वर्ष बल्कि 2 वर्षों से हमने लगातार एक ऐसी धान की करगी की खेती की जिसमें कम स्लोप पर हम कम पानी दे करके अच्छा उत्पादन लिए, और ये देखा कि इसमें मीथेन नहीं निकल रही है, क्योंकि सब इमरजेंसी या डुबाव का क्षेत्र ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचा। इसको हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, पर्यावरण और जैविक खेती की संगोष्ठी में प्रेजेंट भी किया था, तो इसको बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिला था। तो इस तरह से हम वो खेती को, जो धान के लिए हम बदनाम थे विश्व भर में कि हमारा मीथेन निकालता है, मतलब प्रदूषित गैस निकालता है, तो वो हम अब एक पर्टिकुलर स्लोप दे करके, और करगी और भदैली और 2-3-4 किस्में ऐसी हैं धान की जो कम पानी पे हो जाती हैं, तो उनसे हम उत्पादकता भी हमारी ठीक हो जाती है, और साथ में पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मीथेन गैस से भी हम बच जाते हैं। तो ये तो रहा जो हमारा पहले का अनुभव है। वर्तमान में हमने इसी दृष्टिकोण से, मैं पर्यावरण में चूंकि काम कर रहा था, तो पर्यावरण के लिए जब मैंने अभी हाल में देखा कि हमारे यहाँ
पास में एक मिनट स्थान है। डॉक्टर तोमर आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, और ये भी चाहेंगे कि जरा आप अपना माइक्रोफोन को ऑफ कर दें। ऑफ कर दिया जी, ऑफ कर दिया। नहीं आवाज आ रही है तो ऑफ, अच्छा ओके अब हो गया। तो डॉक्टर तोमर मैं आपकी शख्सियत को जो है प्रणाम करता हूं। मैं इस बात का भी कॉग्निजेंस लेता हूं कि आपने 34 साल की बहुत कम उम्र में ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे जिम्मेवारी का पद जो है संभाला। आपने इस बात पर भी ठीक ढंग से ही बात कही है कि जब हम पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लाए जो कि केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड पे वेस्ट था, उस समय भूख की आग इतनी बड़ी थी, हमारे पास अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए अन्न नहीं था। बट आज हमारे हालात बदल गए हैं और हम जो है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हुए कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे और प्रोडक्शन को भी बढ़ा पाएंगे। अभी प्रॉब्लम जो है हमको एक पास ये समझना पड़ेगी कि हम एक फास्ट युग में आ गए हैं जहां ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं, और वो भी नहीं चलेगा कि आप कहें कि सब हम जो है ना एक छोटे से प्रोजेक्ट में कहेंगे फिर उसको देख के दूसरा करेगा। बिकॉज ये इस तरीके की बजाय हम एक ऑल टुगेदर एंड टू एंड सॉल्यूशन वाली व्यवस्था ला रहे हैं जिसमें क्राइम फ्री भारत, चूंकि क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि जहां एक ओर क्राइम फ्री भारत 5 सर्टेनिटी ला रहा है, जिसकी पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए अपराध का लीगली एक्सेप्टेबल FIR का पंजीयन हो, बहुत ही साधारण पुलिस ऑफिसर को बैकएंड इंजन के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन लीड प्रोवाइड करा के और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करके IoT डिवाइसेस और बाकी अदर कैप्चरिंग डिवाइसेस CCTV डिवाइसेस से इविडेंस को कैप्चर करके हर हालत में हर तरीके के केस को जो है बहुत ही साधारण दर्जे के पुलिस ऑफिसर से हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। हम जो है अधिकांश केसेस में कन्विक्शन भी करा पाएंगे और हम अधिकांश केसेस में एक सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन नहीं कहूंगा, मैं उसको सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस कहूंगा, एंड देन हम उसको सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन की उसमें ले जाएंगे। और 5 उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसमें कि समन्स वारंट वगैरह की तामील ही हम अपने सिस्टम के माध्यम से करा पाएंगे और जो लोग हमारे वॉलंटियर्स होंगे उनको उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। हम इसमें एक्सपर्ट्स को और बाकी लोगों से जो है का भी रियल टाइम बेसिस पे जो है ना उनकी मदद ले पाएंगे और दे विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर इट, दे कैन गिव द इनपुट, और जो वो इनपुट देंगे और जो ऑब्जर्वेशन देंगे उसके आधार पर भी उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और सिस्टम उनकी निस नीड को आइडेंटिफाई करके उनको भी जो है पूरा करेगा। इस तरीके का एक चमत्कारी सा जो है सिस्टम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BPRND की मैं एक नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ऑलरेडी क्रियान्वित है। जब हमको लगा कि हम क्राइम फ्री भारत तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक कि हमारे लोगों की पेट की आग यदि शांत नहीं होगी तो वो इवन जेल जाने की रिस्क में भी अपराध करेंगे, लिहाजा ये जरूरी है कि क्रिमिनल्स को भी रिहैबिलिटेट करें। और फिर जब हम क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट कर रहे थे तो दूसरा सवाल ये उठा कि आम और अच्छे लोगों ने क्या गुनाह किया है जिनको उनको जो है ना आमदनी का जरिया ना बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार हमने 18 भारत जो है उनकी कल्पना की, और जिसमें एक महत्वपूर्ण कल्पना है और बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है जिसको हम बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू द स्टार्टअप्स, वी आर टॉकिंग टू द टेक्नोलॉजी कंपनीज, वी आर टॉकिंग टू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा इसमें सोच है वो सोच है कि हम कैसे मिट्टी की इंडिविजुअलिटी को कैप्चर करें उसकी, तो इसका मतलब है कि हम ऐप और IoT डिवाइसेस के माध्यम से बिना मक्कारी के हर ऑनर का के पास कितनी लैंड है, उसका सेप क्या है और उसकी मिट्टी का स्टेटस क्या है, हमें एक इंडिविजुअल पीस ऑफ लैंड की जो है ना ये जानकारी रहेगी। एंड देन इसके लिए जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और हम तो उसे ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं कहेंगे, हम उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री कहेंगे, क्योंकि जो हम उसमें माइक्रोब डालेंगे वो डायरेक्ट जो है फ्री एयर से उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सीधे सॉइल में पहुंचाएगा। तो और जो माइक्रोब्स रहेंगे उनकी एक खसूसियत है कि यदि वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से उनको यदि दूर रखा गया तो यदि उनको प्रतिकूल माहौल है तो वो डोरमेंट हो जाएंगे, और जैसे ही उनको अपनी ह्यूमिडिटी और एक अनुकूल माहौल मिलेगा वो अपने आप को बहुत ही तेज गति से बढ़ाएंगे, जो सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, इस सबको जो है ना इम्प्रूव करेगा। और जिस सॉइल में जो कमी है उस एलिमेंट को जो है ना वो उसकी उसका अधिक उसमें रहेगा। तो इस प्रकार हम सॉइल में वो माइक्रो एलिमेंट्स ला पाएंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर जो है ला रहे हैं, और उससे बेहतर तरीके से ला पाएंगे। इसमें कॉस्ट का इनपुट बहुत कम रहेगा और जो प्रोडक्टिविटी रहेगी, जो चूंकि अभी हमने होलिस्टिक सॉल्यूशन के साथ कार्रवाई नहीं की है इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। जो सॉइल का और जो सीड है वो एक पर्टिकुलर वातावरण में फलने फूलने के लिए हैबिटेटेड हो गया है, लिहाजा हम सीड भी ऐसा यूज करेंगे जिसे कम केमिकल फर्टिलाइजर की जो है आदत है। तो जहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और उसका यूज करके जो बीज है उस बीज का संग्रहण करके तमाम वैरायटीज को जो है ना मेंटेन करके और हर वैरायटीज में क्या खसूसियत है उसको कैप्चर करके और उस नॉलेज को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, और जो क्रॉप है उसके बोने से लेके उसके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से लेके उसकी हार्वेस्टिंग से लेके पूरी कार्रवाई एक बैकएंड इंजन जो है ना करेगा, जिसमें ढेर सारे स्टार्टअप होंगे और जो अपना अपना पार्ट एंड टू एंड करेंगे, और उनकी जो सेवाएं हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर रहेगी। लिहाजा यदि किसी कारण से यदि क्रॉप अच्छी नहीं आती है तो जो अमाउंट उनको रेवेन्यू शेयरिंग में मिलना चाहिए दैट विल बी डिफर्ड। तो उसके कारण इवन बिना गवर्नमेंट की मदद के हम एक बहुत सशक्त एग्रो इकोनॉमी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि इन सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए, चाहे सॉइल के डिटेल कैप्चर करने के लिए या आम आदमी का हेल्थ स्टेटस कैप्चर करने के लिए या उसको जो है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए ढेर सारे जो है ना उन्हीं गांव के लोगों की जरूरत पड़ेगी जिन्हें ट्रेनिंग दे के यूज किया जाएगा। तो उनको एक कंपोनेंट आय का मिलेगा बाय जो है ना पार्टिसिपेटिंग एंड गेटिंग द 5 रेवेन्यू स्ट्रीम बाय पार्टिसिपेटिंग इन क्राइम फ्री भारत इन फाइटिंग क्राइम्स। सेकंड उनको रेवेन्यू मिलेगा अपने एग्रीकल्चर से जहां पे कि कॉस्ट ऑफ इनपुट घटेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी बढ़ेगी, और हम ना केवल क्रॉप पैदा करेंगे बट जो क्रॉप होगी दैट विल बी मच मोर सुपीरियर क्रॉप बिकॉज इट विल बी फ्री फ्रॉम द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। और चूंकि वो केमिकल एंड पेस्टिसाइड से फ्री होगी लिहाजा उसका हेल्थ के साथ जो है ना ज्यादा इम्पैक्ट होगा, और हम इस सीरियल को जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसको हम जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही निस प्राइस पे बेच पाएंगे। अभी जो इंटरमीडिएट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको बेसिकली हम इसमें फार्मर गड़बड़ी ना कर पाए इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पैकेजिंग से लेके QR कोड के माध्यम से जो फार्मर का जो वो प्रोडक्ट होगा उस फार्मर की आइडेंटिटी कैरी की जाएगी। आज के सिस्टम में क्या हो रहा है कि किसी ने कुछ भी किया है वो मंडी में जाके मिलके सब धान 22 पसेरी हो रहा है। आगे चल के यदि डॉक्टर जो है तोमर चाहेंगे और उनको लगता है कि मैथिली शरणगुप्त बहुत अच्छी वैरायटी की कोई चीज पैदा कर रहे हैं तो वो मैथिली शरणगुप्त का जो है वो चीज डायरेक्टली जो है ना थ्रू द वेब पोर्टल वो परचेज कर पाएंगे, और बैकएंड इंजन में जो है वो आप जो है ना मेरे पास से जो ना आपके पास तक कैसे पहुंचेगी उसकी व्यवस्था होगी, तो किसी को उसकी चिंता नहीं पालना होगी। और जो कॉस्ट है हमारे से आप तक पहुंचने की वो एक नॉर्मलाइज एंड एवरेज कॉस्ट बहुत मिनिमम कॉस्ट पे जो है ना वो वहां पहुंच पाएगा, और जो इंटरमीडियरी जो है जो हॉर्डिंग करके और जो बदमाशी करके बहुत सारा पैसा जो है ना बना रहे हैं, और किसान जो है वो फटी शर्ट पहनने पे मजबूर हो जा रहे हैं, किसान जो कहना चाहिए कि सुसाइड कर रहे हैं, हम उन सब चीजों से जो है ना बहुत आगे निकल जाएंगे। और हम जो है ना किसानों का प्रोडक्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ना बेचकर हम निस प्राइस पे बेच पाएंगे, इस तरीके की एक
आमूल चूल व्यवस्था के लिए क्राइम फ्री भारत जो है जो संस्था है जो कि अंडर अम्ब्रेला ऑफ श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था के अधीन चल रहा है, जिसके अंदर ढेर सारे जो है स्टार्टअप्स हैं, ढेर सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, सीए जुड़े हुए हैं, वकील जुड़े हुए हैं, उन सब और इसमें बड़ी संख्या में रूरल वॉलंटियर्स जोड़े जाएंगे, जिन्हें इतनी सारी स्ट्रीम्स जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेंगी कि प्रोबेबली जो अपने क्रॉप से जो उनको पैसा मिलेगा दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम से वो उससे ज्यादा कमा पाएंगे। हम अपनी रूरल जो पर कैपिटा इनकम है उसको 3 to 5 times बहुत ही आसानी से बढ़ा पाएंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर एरिया में रहते हुए भी मिनिमाइज हो जाएगी और एक आदमी को गांव में रहते हुए एग्रीकल्चर करते हुए भी 5 तरीके की रेवेन्यू उसको स्ट्रीम की जाएगी जिसकी फुल क्वांटम जो है मे बी मोर देन व्हाट ही इज अर्निंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उसके जो एग्रीगेरियन टूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हम एक अलग तरीके की खेती में जाने का जो है दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें कि हर पीस पे मेडिसिनल प्लांट, न्यूट्रिशन प्लांट्स, क्रॉप प्लांट, सीरियल प्लांट्स के साथ साथ जो है कैटल्स की व्यवस्था होगी जिसमें देसी गायों को प्रधानता दी जाएगी और उनके लिए ऐसे टूल्स डिजाइन किए जाएंगे जो उनके जो बैल हैं वो उसको खींच सके। तो कम से कम जो छोटे किसान हैं उनकी डिपेंडेंसी जो है ना वो ट्रैक्टर से दूर की जाएगी और जिनको ट्रैक्टर की सेवाओं की जरूरत है ये इसके जो स्टार्टअप्स होंगे वो उनको वो भी प्रोवाइड करेंगे। और आप इसके लिए जो गांव वालों के जो रिसोर्सेस हैं उन सबको जो है ना एक स्टार्टअप के माध्यम से उनके नीचे लिया जाएगा और उस स्टार्टअप की जिम्मेवारी होगी कि उनको वो मेंटेन करे, उनको वो करे और उसमें लाइटिंग से लेके हर चीज की व्यवस्था होगी। तो जो एक किसान का ट्रैक्टर कुछ घंटों यूज होता है या एक आध दिन यूज होता है वो राउंड द क्लॉक यूज होगा एग्रीकल्चर कार्य के लिए भी, खुद के लिए भी और पड़ोसियों के लिए भी, और जब जो है एग्रीकल्चर कार्य में उसकी जरूरत नहीं है तब नॉन एग्रीकल्चर वर्क और डेवलपमेंट वर्क में इसको यूज किया जाएगा। और हर खेत में न केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें मेडिसिनल प्लांट्स, न्यूट्रिशन प्लांट्स, सीरियल प्लांट्स और इवन जो है न्यूट्रिशियस जो है फीड मटेरियल फॉर कैटल्स स्पेशली देसी गाय, और उसके साथ ही हनी प्रोडक्शन दैट बी कीपिंग, और बी कीपिंग को भी थोड़ा सा स्पेशलाइज करके मेडिसिनल एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो है जो हनी होगी वो हनी एक डिफ्रेंशिएटेड हनी हो सकती है जिसमें कि हम हनी फॉर ब्लड प्रेशर, हनी फॉर दिस डिसीज, हनी फॉर दैट डिसीज, इवन दैट काइंड ऑफ द डिफ्रेंशिएशन हम कर पाएंगे। हर खेत में एक ट्रंच होगा, ट्रंच इंटरकनेक्टेड होंगे, इसका मतलब जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है ये सुपर इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर होगी जिसमें एक ड्रॉप पानी जो है उसको हम वेस्ट ना होने देने की जो है ना कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि वो हर जो है ना वाटर कैनाल में, हर वाटर उसमें छोटे छोटे स्टॉप डैम होंगे जिस और उससे जो है पानी को अंदर जाने दिया जाएगा और वही पानी फिर इन ट्रंचेज में आएगा और इन ट्रंचेज में वी कैन गो फॉर द एक्वाकल्चर। जो फिशिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो फिशिंग में भी जा सकते हैं और अदरवाइज फिशेज भी रहेंगी एंड देन वी कैन गो फॉर द वाटर प्लांट्स, जैसे जो कमल ककड़ी जिसको कहते हैं, इट इज ए हाईली न्यूट्रिशन प्रोटीन रिच वैरायटी। इस तरीके की बहुत सारी वैरायटी जो कि एक्वा से आती है उसको वहां डाल के हम जो है मेडिसिनल, न्यूट्रिशनल, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन और एक्वा प्रोडक्शन, ऐसे एक इंटीग्रेटेड जो है ना सिस्टम को पैदा कर पाएंगे जहां पर सीड से लेके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स से लेके इसकी जो है ना कोई आवश्यकता को पूर्ति के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड पर स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, एग्री स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, इट विल बी मेड अवेलेबल एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर, विच विल बी एट द
एट द लोएस्ट कॉस्ट द बेस्ट मटेरियल एंड देन जो है सपोर्ट सिस्टम फॉर द देयर प्रोडक्शन. तो चाहे वो टिलिंग हो या हार्वेस्टिंग हो या बीच में जो है ना एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, उस तरीके की चीजें हो, वो सब में जो है कोई ना कोई स्टार्टअप जो है ऑपरेट करेगा जो रूरल यूथ को ही जो है ट्रेन करके दे विल बी यूज एज ए रिसोर्स. तो जो रूरल यूथ है दे विल ऑल्सो हैव द एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम. दैट काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट वी आर जो है वी इंटेंड टू जो है ना रियली ब्रिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रो इंडिया. इट इज बहुत अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, सरकार के नाबार्ड की तरफ से भी सपोर्ट सिस्टम है, ICAR की तरफ से सपोर्ट सिस्टम है, उन सब का यूज किया जाएगा और हम एक अच्छा जो है व्यवस्था दे पाएंगे. तो चूंकि ये भ्रष्टाचार की बात अभी सेशन में नहीं करेंगे क्योंकि द डेडिकेशन इज अबाउट द एग्रीकल्चर. तो अब मैं डॉक्टर तोमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने एक खाका खींचा है, इस खाका में आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री भारत. सो प्लीज देखिए, आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में पहुंचने पे एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देंगे जो बहुत अच्छा हो जाएगा. और उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. केचुए मर गए थे और जो हमने केचुए डाले और इसके बाद केमिकल फ्री उसको खेत को आया, तो केचुए अपने आप मिट्टी को लगातार भुरभुरापन दे रहे हैं और न्यूट्रिशियस भी बना रहे हैं. तो सॉइल का इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है उसके कारण हमारी उत्पादकता बढ़ रही है, ऑटोमेटिक बढ़ रही है. कुछ हम केवल केचुए डाल दें और केचुओं को वहां पर पनपने दें तो हमारा खेत में एक दो साल तो जो ऑर्गेनिक केमिकल फार्मिंग. तो मेरा कहना है कि आधे अधूरे नॉलेज का यूज नहीं करना, हम इंटीग्रेटेड फुल नॉलेज का यूज करेंगे जिसमें कि गोबर का भी यूज होगा, फॉरेस्ट रेसिड्यू का यूज होगा, क्रॉप रेसिड्यू का यूज होगा, गाय की जो है ना मूत्र का यूज होगा, इवन जो गन्ने के जो फाइबर रिच वो है उसका यूज करेंगे और बड़ी संख्या में माइक्रोब डालेंगे और उसमें डिफरेंशिएशन करके जिस अलग अलग क्वालिटी की सॉइल को ग्रेड करेंगे और उस सॉइल के हिसाब से जो है ना उसमें ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक फैक्ट्रीज क्रिएट करेंगे. आई एम सेइंग वी मस्ट नॉट फील हैप्पी कि थोड़ा करके खुश हो गए कि हमें थोड़ा सा फायदा मिल गया, 5 केचुए ज्यादा दिखने लग गए हैं. वी विल नॉट डू दैट वे. वी विल गो वेरी एग्रेसिवली एंड वी विल बी इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. और जो अभी भ्रम पैदा किया गया है कि ये केवल जो है केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड से हो सकता है, ये भ्रम बिल्कुल पूरी तरह से गलत है. इस भ्रम को हमें गलत साबित करना पड़ेगा. और इसमें जो गाय का गोबर है, वैसे तो सभी एनिमल प्राणियों का गोबर यूज किया जाएगा लेकिन उसमें प्रधानता जो है ना गाय के गोबर को रहेगी क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी विराजित है. और ये यदि वैदिक नॉलेज ये बात कह रहा है तो यही कारण है कि यदि आप गाय के गोबर का जो है थोड़ा सा वो करिए तो उसमें जो वर्म और माइक्रोब्स का जो है नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई. दैट्स व्हाई जहां गाय का गोबर पड़ेगा वहां पर जो है मंगल ही मंगल हो जाएगा. तो वो गाय का गोबर, फॉरेस्ट रेसिड्यू, क्रॉप रेसिड्यू, गाय का मूत्र, अर्थवर्म, माइक्रोब्स और माइक्रोब भी विथ डिफरेंशिएशन, इस पूरे को कराने के लिए किसानों को गाइड करने के लिए और किसानों के खेत में कराने के लिए. और जितना जैसे कि आजकल सोलर का सिस्टम है, आप अपने छतों पर सोलर का सिस्टम लगा दीजिए, जितना आप कंज्यूम कर लेते हैं वो ठीक है, यदि आपने सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी पैदा की तो वो ग्रिड में चली जाएगी. तो वो सिस्टम भी ऐसा ही रहेगा कि यदि मान लो आपने इतना फर्टिलाइजर पैदा कर लिया है जो आपकी आवश्यकता से ज्यादा है तो वो आपके फर्टिलाइजर की ग्रेडिंग के साथ जिस व्यक्ति को उसकी जरूरत है उस तक जो है पहचाने की जिम्मेवारी बैकएंड की रहेगी और आपको ऑटोमेटिकली उतना रेवेन्यू आपके खाते में पहुंच जाएगा. तो आपको जो
बड़ा जो आपके पास एक्सेस जो है ना ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कहाँ लगाएं, ये आपको जो है ना उसकी चिंता नहीं पालना पड़ेगी। और आपको सिर्फ क्रॉप से ही नहीं जो है ना आमदनी होगी, बल्कि जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्रिएट करेंगे उस ऑर्गेनाइजर के एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन फर्टिलाइजर विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर इनकम। आपकी कॉस्ट जो है एग्रीकल्चर की कम हो जाएगी, आपका जो क्रॉप का जो, चूंकि आपकी क्रॉप अभी जो हाई बहुत सारे हाई यील्ड वैरायटीज हैं वो क्वांटिटी दे रही हैं, उसमें वो क्वालिटी हेल्थ लायक है ही नहीं, बल्कि लॉट मेनी जो है ना ग्रेन्स विच आर रिच इन केमिकल्स दे आर डेंजरस एंड दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। यही कारण है पंजाब जो कि एग्रीकल्चर में बाउल कहा जाता है दैट हैज नाउ बिकम द सेंटर ऑफ द कैंसर ऑल्सो, वहां के काफी लोग जो है ना वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको उनके पास जो वेल्थ भी आई है उस वेल्थ में जो है ना नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए हैं, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम ड्रग्स ऑल्सो। तो हम केवल रूरल एरिया में वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, वेल्थ हम केवल रूरल एरिया में एंगेजमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि वी विल गो कि जो वेल्थ आएगी उसका वेल्थ का एक्सपेंडिचर इस तरीके से हो वी शुड एनरिच देयर कल्चर। यदि एंटरटेनमेंट है तो हेल्दी एंटरटेनमेंट, उसके लिए वो दारू पीना शुरू ना करें, वो ड्रग्स लेना शुरू ना करें। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जिस चीज को आप प्रचारित कर रहे हैं और उसको उसके एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हैं कि साहब इससे कैंसर हो जा रहा है, गंदे गंदे से फोटोज में डाल रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि हम उसको जो है एज ए प्रोडक्ट परमिट करें? सिर्फ कुछ पैसा जो है ना क्रिएट करने के लिए, कुछ रेवेन्यू पाने के लिए हम यदि दारू को बेचेंगे, तंबाकू को बेचेंगे, तो इट इज ए बहुत ही बुरा काम है। गवर्नमेंट को इस नीति से बाज आना चाहिए। और रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए, मैं तो इतनी रेवेन्यू क्रिएट करने की बात कर रहा हूं कि फ्रॉम क्राइम फ्री भारत अलोन सो मच रेवेन्यू विल कम कि एक बटन दबेगा तो 1,37,000 करोड़ जो है ना रुपए सरकार के लिए पैदा होगा। अभी जो है ना किसी ने मुझे बताया, आई विल चेक वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, कि पूरा एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट जो है ना लगभग कोई 7,00,000 करोड़ जो है पूरे साल में पैदा करता है। इसका मतलब है दैट मच मनी कुड बी क्रिएटेड बाय प्रेसिंग 7 बटन। इनकम टैक्स तो उससे आधा ही मनी पैदा करता होगा। इट मींस दैट बाय प्रेसिंग 3 बटन बाय द होल पॉपुलेशन प्रोबेबली वी विल बी क्रिएटिंग दैट मच मनी फॉर द गवर्नमेंट। इट मींस देयर विल बी द नियर वे ऑफ द क्रिएटिंग ऑफ द रेवेन्यू फॉर द डेवलपमेंट विदाउट जो है ना हैविंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कल्चर, ऑन द बिहेवियर, ऑन द जो है सो वी नीड नॉट टू टॉक अबाउट द वेल्थ, वी नीड टू टॉक कि जो वेल्थ क्रिएट होगी हाउ दैट वुड बी यूज, उस वेल्थ को हम कैसे रूट करेंगे फॉर द इकोनॉमी, उस वेल्थ से हम जो है ना कैसे शुद्ध और अच्छा एंटरटेनमेंट वहां पहुंचाएंगे, उस वेल्थ से हाउ वी कैन रियली एनरिच द इवन द स्पिरिचुअलिज्म इन देम, बिकॉज इंडियन वे ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई रेजिमेंटेशन नहीं है, तो इट इज ए वेरी सुपीरियर सिस्टम। तो हमें केवल जो है रूरल प्रोडक्शन अकेले बढ़ाने की बात नहीं करना है, हमें जो है एक कंप्रहेंसिव सॉल्यूशन लाना है जिसमें हमें किसान के दिमाग का और किसान के संसाधनों को न्यूट्रलाइज कर देना है। मतलब यदि कोई कम पढ़ा लिखा किसान है या उसको वो नहीं है, या एक ऐसा किसान है जिसके पास अपनी खेती करने के लिए भी संसाधन नहीं है, या एक ऐसा किसान है कि उसके पास बोने के लिए सीड नहीं है, या उसको जो है ना कहीं से महंगा उस पर उसको जो है ना पैसा लेना पड़ रहा है। कई बार जो है हमारे बैंकर्स जो बहुत सारे ऋण की योजना है वो उससे पैसे लेके और उनसे जो है ना ये कहते हैं कि आप ऋण ले लीजिए और ये आपको देने की जरूरत नहीं है। स्पेशली इस तरीके का कल्चर हमारे बुंदेलखंड यूपी में बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके की जो नेगेटिविज्म है, जो उनको एक ऋण के अंदर जो है ना फंसने की प्रॉब्लम है, हमें उससे बाहर लाना है, हमें उन्हें हेल्दी और वेल्दी बनाना है, और जो वेल्थ आए उस वेल्थ को कैसे कंड्यूट करना है दैट शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द स्कीम। सो हम एक होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर तोमर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया जो है छोटी बात नहीं करेंगे, कम से कम बड़ी बात सोचने की हिम्मत करिए और बड़ी बात करने के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशन डिजाइन करिए।
यदि आप छोटी मोटी बात करेंगे और यदि आप ही उसके सूत्रधार अरे यहाँ काफी हुआ है, इसलिए मैंने केचुए की अरे यहाँ चाहे वो बायोगैस की स्लरी हो और चाहे गाय का मूत्र या गाय का मतलब हम लोग चौपाया कहते हैं, कैटिल मतलब रिमिनेंट, रिमिनेंट माने पागुर करने वाले जितने पशु हैं, उसमें जो जैविक पदार्थ जैसे पत्तियां हैं, भूसा है, ये सब को मिला करके हम एक कंपोस्ट पिट में डालते हैं और उससे जो खाद बनाते हैं वो खाद को हम उपयोग करते हैं। तो हम गाय का गोबर को गाय शब्द का इस्तेमाल हम ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा गाय माता जैसे है और हमको दूध भी अच्छी देती है, तो गाय का मूत्र हो या चाहे रिमिनेंट होने पागुर करने वाले पशुओं का मूत्र हो, ये सब चूंकि एनारोबिक बैक्टीरिया अपने आप में लिए रहते हैं, तो एनारोबिक बैक्टीरिया से जो इसमें डाइजेशन होता है, जो पचन पाचन होता है, आसानी के साथ ये स्लरी को बना सकते हैं, खाद को बना सकते हैं, तो ये बायोगैस प्लांट के अंतर्गत भी रहते हैं। तो हमारा चाहे बायोगैस प्लांट से मिलने वाली स्लरी हो या कंपोस्ट से मिलने वाली कंपोस्ट खाद हो, या हमको जो हमारे केचुए के पालने के गड्ढे हैं उनमें से मिले हुए केचुए हो, ये सब मिला करके हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ओर ले जाते हैं, जिसका उपयोग करके हम इसमें ज्यादा से ज्यादा खेती का फायदा ले सकते हैं। आपने क्राइम फ्री भारत की बात की है, तो मैं आपको थोड़ा सा पुराने समय पर ले चलना चाहूंगा। जब हमारे जमाने में डीडीसी, डीडीटी मतलब डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, डीडीटी, बीएससी और ऐसे जो डीडीटी बीएससी के मार्क्सिन मलाथियान, ये सब केमिकल बैन हो चुके थे, और ये बैन होने के बाद जूझ भी मार्केट में उपलब्ध हैं, आज भी उपलब्ध हैं, मतलब है ये क्राइम है एक तरह से कि उन चीजों को हम बेच रहे हैं जिनको भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। इस कारण बैन किया गया था कि ये बहुत ही हानिकारक केमिकल हैं और सॉयल के जो माइक्रोब हैं उनको तो मारते ही हैं, और साथ में अब ये अपने डीडीटी या दूसरे जो है ना केमिकल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए गए हैं, इसके बावजूद भी वो बाजार में बिक रहे हैं, यूज हो रहा है, और असली भी बिक रहे हैं और नकली भी बिक रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से काम किया जा सकता है। ये पुलिस के माध्यम से संभव नहीं है, ये पब्लिक के माध्यम से संभव है। अज्यूम करिए कि आपने कहा कि जो यदि आप इसका आपके एरिया में ये चीजें प्रतिबंधित हैं, यदि कोई बेचना पाता जाता है तो आप जाइए और ऐप के थ्रू जो है ना उसको बेचिए और खरीदिए, एंड वो ऐप जो है ना विल कैप्चर ऑल एविडेंसेस, एंड दैट ऐप जो है ना फ्लो दैट इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस विल कन्वर्ट इनटू द एफआईआर, एंड जो व्यक्ति बेच रहा है वो सर्टेनिटी से जेल में जाएगा, और एक रेवेन्यू स्ट्रीम जिस व्यक्ति ने कैप्चर की है, जिस किसान हो चाहे वो जो है और दूसरा यूथ हो, उसको जो है एक मोटी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, तो निश्चित तौर पर ऐसी मक्कारी करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इन ऑल सर्टेनिटी कोई ना कोई तो उसे कैप्चर करके रेवेन्यू स्ट्रीम लेने की कोशिश करेगा और उसको पकड़वाने की कोशिश करेगा। अभी क्या है कि उसकी बेचारे की कोई सुनने वाला नहीं है, वो पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस केस ही रजिस्टर नहीं करेगी, पुलिस पकड़ने के लिए नहीं जाएगी, पुलिस के पास अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो किन किन चीजों के पीछे जाएगी। तो हमें व्यवस्था में एंड टू एंड सॉल्यूशन लाना पड़ेगा विदाउट कॉजिंग एनी इनकन्वीनियंस, किसी को जो है ना मस्का लगाने की जरूरत ना पड़े। बैकएंड इंजन जो है ना विल टेक दैट इंफॉर्मेशन टू द डाटाबेस, डाटाबेस में जो जिसके लिए जैसे मैंने उसके बैकएंड में एक एक्ट बनाया है, एक ड्राफ्ट रूल बनाया है, जिसका हमने नाम दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक पूरा ड्राफ्ट बना के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को BPRND के माध्यम से सबमिट किया है। तो जब ऐसी अथॉरिटी आ जाएगी तो आपने जो वायलेशन ऑफ रूल्स या क्राइम को जो कैप्चर किया है, एविडेंस को कैप्चर किया है,
वो स्टेट भी आपके ऐप से सीधा जो है ना क्लाउड स्पेस में नेशनल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा। और ये नेशनल अथॉरिटी का काम रहेगा कि वो बैकएंड इंजन से अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए उसमें FIR भी कराए और उस एविडेंस का यूज करते हुए उनको कन्विक्ट कराए, और जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक मोटी सी रेवेन्यू स्ट्रीम भी दे दी जाए। इस व्यवस्था में क्योंकि मोटी रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है तो उसकी रिपोर्ट ना हो ये संभव नहीं होगा। तो अभी जो बेचने वाला पैसा कमा रहा है, यदि उसके लिए उसके गले में उससे ज्यादा जो है ना पेनल्टी पड़ जाएगी तो वो कभी जो है ना इस तरीके के धंधे में नहीं लगेगा। हमें ऐसा सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म लाना पड़ेगी। अभी प्रेजेंट व्यवस्था की एक पर्टिकुलर विभाग के सहारे हम कोई चीज ला देंगे ये संभव नहीं है। आज की स्थिति ये है कि जिस विभाग का जिस गड़बड़ी को रोकने की जिम्मेवारी है वो विभाग उसी के पेट्रोनेज में वो गड़बड़ी जारी होती है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, यू नेम एनी डिपार्टमेंट, यदि उसके पास किसी चीज को रेगुलेट करने का पावर है तो उसी विभाग के जो है ना लोग रेंट सीकिंग बिहेवियर के तहत दे आर जो है ना प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ द एक्टिविटी, और उसका जो इलगॉटन राशि है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस। तो ऐसे लोग जो कि इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं दे आर चमी विद द पॉलिटिशियंस एंड दे ऑक्यूपाई द आइकॉनिक पोस्ट आल्सो। तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा एंड उस व्यवस्था को तोड़ने से किसी से हाथ जोड़ने से नहीं टूटेगी वो व्यवस्था। उसके लिए हमें टेक्निकल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स लाना पड़ेगा, हमें उसमें सेंसर्स लाना पड़ेंगे, हमें उसमें IoT डिवाइसेस लाना पड़ेंगे और ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जिसका चेयरमैन भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं होगा। यदि चेयरमैन गड़बड़ी करेगा तो वो भी जो ना कंपल्सरी 7 साल का पनिशमेंट उसमें उसको रहेगा, और जो भी वो क्राइम होंगे यदि मान लो वो क्राइम चेयरमैन ऑफ दैट नेशनल अथॉरिटी ने किया है और यदि अज्यूम करिए उसने 5 तरीके के वायलेशन किए हैं तो बैकएंड इंजन उसको कैप्चर करके अपने ही चेयरमैन के खिलाफ FIR दर्ज करा देगा और चेयरमैन 7x5 35 साल के लिए जेल में पहुंच जाएंगे। तो हमें हर गलत करने वाले का इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल उसका जो पेट्रोनेज है उसकी मदद नहीं करेगा। वो पॉजिटिव काम जिसके लिए रखा गया है वो केवल वही काम कर पाएगा, उसको जो है ना इस बात की स्वतंत्रता नहीं होगी कि वो जो है उसको पेट्रोनेज करे और उसके लिए उसके एवज में जो है ना रेंट सीकिंग बिहेवियर करे, उसके एवज में जो है ना वो घूस ले, उसके एवज में जो है ना पैसा कमाए और उस पैसा को सब तरफ बांटे, और देन जो है ना ही बिकम सो मच फेवरेट टू एवरी वर्ड बड़ी के ही बिकम द मोस्ट टेक्टिकल मोस्ट गुड ऑफिसर और वो जो है ना फिर विल ऑक्यूपाई द ऑल आइकोनिक प्लेस। अब जो है इस जो एक सांठगांठ कहते हैं ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन की सांठगांठ, इसको टेक्नोलॉजी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स नीड टू बी जो है ना क्रिएटेड एंड लेट जो है ना क्राइम फ्री भारत लाइक संस्था शुड प्ले ए वेरी एक्टिव एंड डोमिनेटिंग रोल। इन शब्दों के साथ मैं फिर से जो है डॉक्टर तोमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा के ही वुड लाइक टू ऐड समथिंग इन दिस। मेरा थोड़ा सा 2 मिनट मुझे बोल लेने देंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एक सबसे अच्छी बात यह है हमको आज भी अच्छी कीमत जैविक खेती की जैविक किस्मों की मिल सकती है अगर हम इसको पूरा जहाँ जहाँ जैविक खेती होती है उसको एक हम साइक्लिक प्रोसेस में एक चेन से जोड़ सकें और साथ ही हम उसको टैगिंग की व्यवस्था कर दें तो जो 10 रुपए किलो हमको प्याज जाती है या 10-15 रुपए किलो गेहूं जाता है तो वो हमको डबल और ट्रिपल प्राइस में भी मिल कीमत उसकी हमको मिल जाएगी। मैं तो ये तक कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा है 3 मेरी गाय दूध दे रही हैं तो उनको जो ऑर्गेनिक वाली खेती का है उसी का भूसा उसी का पैरा और उसी का बायो प्रोडक्ट जो है वो खिलाया जाए और खिलाता भी हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ तो दूध उसका बहुत अच्छा रहता है। वैसे भी देसी गाय का दूध रहता है। देखिए अभी जो आपकी गाय है, देखिए अभी जो आपकी जो गाय है
वो घूरे पे मिल गई है, वो कचरा खा रही है, हम उसको गाय से गाय माता बनाएं, हम उसको हवन और मंत्रों का भी जो है ना लाभ दें। आजकल बड़े ऑटोमेटेड डिवाइसेस है जिसमें लगातार 24 घंटे मंत्र चल सकते हैं। हम जो है वैदिक कल्चर से यदि रोज संभव हो तो रोज हवन करें, ना हो तो जो है ना उसमें करें, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको दें और उसको केवल नॉन न्यूट्रिशियस चीजें अकेली दें, न्यूट्रिशियस चीजें दें एंड देन साथ में जो है ना मेडिसिनल प्लांट्स दें और उसको वो लव अफेक्शन और जो चीजें जो कृष्ण भगवान की जैसे जो गाय थी तो उस तरीके का जो एक लगाव और एक वो, तो वो रूरल यूथ को जो है ना कुछ एम्प्लॉयमेंट उसके माध्यम से क्रिएट किया जाए, जैसे गाँव को ले जाया जाए, गाँव को नहाया जाए, धुलाया जाए। और एक अभी नई थेरापी चली है जिसको कहते हैं कलिंग ऑफ विद अ काउ, तो काउ को गले में लगा के ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि यदि हम गाय से स्नेह करते हैं, गाय के सानिध्य में रहते हैं, गाय को गले लगाते हैं, लेकिन गाय इस हालत में होना चाहिए कि साफ सुथरी कि आप उसे गले लगा पाए, तो यदि साफ सुथरी गाय है और उसे आप गले लगाते हैं तो आपके डिप्रेशन से लेके ढेर सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मतलब आप छोड़ लीजिए गाय मूत्र, गाय गोबर और इस सब चीजों को छोड़ दीजिए, इवन गाय के पास रहना, गाय को गले लगाना भी आपकी बहुत सारी व्याधियों का, बहुत सारे जो है ना उसका उपचार हो सकता है, स्पेशली डिप्रेशन। तो मेरा कहना है कि हमें एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की बात करना पड़ेगी, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़ा सोचने के लिए हमें एंड टू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बिना किसान को, बिना रूरल यूथ को प्रॉब्लम दिए, बिना ज्ञान बांटे, वो ज्ञान जो है वो अपने आप ओवर द पीरियड जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्ञान अपने आप अकुमुलेट होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम विद इन द सुपरविजन, और जो सुपरविजन भी रहेगा वो रूरल यूथ का ही रहेगा, वो बाहर से कोई अर्बन यूथ नहीं जाएंगे। रूरल यूथ को ही हम ट्रेन करेंगे, रूरल यूथ को ही हम नॉलेज देंगे, रूरल यूथ को हम टेक्नोलॉजी देंगे और वो रूरल यूथ मक्कारी ना कर पाए ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। तो जैसे हम क्राइम फ्री भारत में कह रहे हैं कि कमिटिंग क्राइम विल नॉट बी एन ऑप्शन, तो वी आर सेइंग इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ डूइंग एनी नेगेटिव एक्टिविटी विल नॉट बी एन ऑप्शन। और जो ये मिडिल मैन बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, वो मिडिल मैन जो है ना दे हैव टू रियली गेट शिफ्टेड फॉर द अदर काइंड ऑफ द सपोर्टिव एक्टिविटी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे और दूसरी चीज में रिलेटेड एक्टिविटी हो, दे हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस चेन, बिकॉज दे वुड नॉट बी इन पोजिशन टू कॉर्नर द बेनिफिट बाय होर्डिंग एंड बाय डूइंग दिस एंड बाय डूइंग दिस। तो उनके पास जो पैसा है उस पैसे की स्ट्रेंथ से वो कहीं पे चीजों को होल्ड करके बाद में आर्टिफिशियली डिमांड और सप्लाई और स्केर्सिटी क्रिएट करके उसके पैसों को, ज्यादा पैसे जो है ना वो वसूलने की और की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी डायरेक्ट किसान से कंज्यूमर तक पहुंचाएगी। और जब कंज्यूमर को मालूम होगा कि हमें डॉक्टर एस तोमर के खेत का जो है ना एग्रीकल्चर हमको मिल रहा है, ऐसा ऐसा जो है ना उसमें व्यवस्था होगी, तो ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है। और हम चाहेंगे कि डॉक्टर तोमर आप जो है अब छोटा नहीं सोचेंगे और आपको ये बताना है कि हाउ विद इन माई विजन यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। मैं इस बात को समझता हूं कि इस समय आपकी काफी एज हो गई है, आप 74 साल के हैं, मुझे ये भी मालूम है कि इसके बावजूद भी आप पर्यावरण में लगे हुए हैं। अभी जो छतरपुर में डायमंड की माइनिंग के कारण जो डिफॉरेस्टेशन की स्थिति बन रही है, आप उसमें जो है बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, लेकिन हमें समाधान लेके पहुंचना पड़ेगा, हमें उसमें इस बात को लेके पहुंचना पड़ेगा कि हम जो है ना अंडरग्राउंड माइनिंग करें, हम उसके यदि ऑप्शंस के साथ जाएंगे और उसके ऊपर जो फॉरेस्ट लगा हुआ है उसको रादर और एनरिच करके जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें उसका स्टेक बढ़ा के, इफ दैट कुड बी यूज फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो उनको, चाहे पत्तियां हो उनको जलाने की बजाय दैट फॉरेस्ट प्रोड्यूस और उसका जो है दैट शुड कम एंड शुड बी इंटीग्रेटेड विद अवर ऑर्गेनिक मैनुअर, तो हम इतनी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक ह्यूमस मटेरियल पैदा कर पाएंगे कि हमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल की अपने उसके लिए जरूरत नहीं रहेगी। और हम जो है जैसे सोलर एनर्जी है उसी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जिसके पास सरप्लस ऑर्गेनिक मटेरियल होगा
वो वहां से जो है ना पाइप होके उस एरिया में जाएगा जिसके पास ऑर्गेनिक मटेरियल क्रिएट करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके पास कैटल्स नहीं है, उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, या रूरल एरिया टू अर्बन एरिया जहां पर कि लोग बाग अपनी बागवानी के लिए इसके लिए उसके लिए जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहते हैं। तो इस तरीके से लेट हिज सरप्लस कैपेसिटी ऑफ द विलेजर्स और रूरल एरियाज दैट शुड आल्सो जो ना बिकम ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट। मैं डॉक्टर तोमर से एक बार फिर से कहूंगा कि प्लीज जो है यू कम आउट विद द पैकेज हाउ यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इन क्राइम फ्री भारत एंड हेल्दी एंड वेल्दी रूरल इंडिया। और जब आप उसमें अपने कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आप छोटी बातों को नहीं करेंगे, जो अब तक हम करते आए हैं उनकी बातों को नहीं करेंगे, आपको जो है ना हमारी बात इस बड़े विजन के फॉर फ्रेमवर्क में आप कैसे जो है ना करना चाहेंगे, और आपकी जो 74 साल की जो उम्र है वो इसमें बाधा नहीं बनेगी, और आप इट विल गिव ए लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज यू विल बी डूइंग ए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव। डॉक्टर एस तोमर, मुझे थोड़ा 2 मिनट का अगर बोल लेने देंगे तो बड़ी कृपा होगी, फिर आप उसको ब्रीफ करिएगा। एक तो मैं अभी एनर्जेटिक हूँ, 71 साल का हूँ मैं, 71 का, और मेरा ये कहना है कि जो मैं बता रहा था कि दूध अगर हम अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला बाई प्रोडक्ट गायों को देते हैं तो उसका स्वाद भी अच्छा होता है और न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ में हम जो मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ चाहे वो आपका हमारा बुंदेलखंड का बक्सवाहा हो और चाहे खेत हो, जंगल हो चाहे खेत हो, आज हमारे ऐसे जगहों पे मेडिसिनल प्लांट की बहुत अच्छी खेती होती है। ये प्लांट तो है ही है, तो हमको ये बहुत बड़ा फायदे का होगा। जिस तरह से हम अभी जोर दे रहे हैं कि जैविक खेती हो, उसी जगह मेडिसिनल प्लांट की भी की जा सकती है और वो अच्छा हो सकता है। हमको वाटर रिचार्ज करना है धरती में, क्योंकि हम उसको खींचते जा रहे हैं, तो चेक डैम और स्टार डैम के साथ में ही हमको ये जो अभी बरसात का पानी है इसको भी अंडरग्राउंड सप्लाई करके और उसको रिचार्ज करने की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी हमारे देश की भी है, इजराइल की भी है। हमारे यहाँ अब देखिए इजराइल कितना कम हमसे पानी बरसात होती है वहाँ, पर उससे ही उसकी इतनी बढ़िया खेती करते हैं वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। और ड्रिप इरिगेशन का जो जहाँ तक मेरा अनुभव है तो ड्रिप इरिगेशन से बहुत कम पानी में हम बहुत अच्छी खेती ले लेते हैं। जहाँ तक है हनी की बात आपने की थी, वो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। मैं अपने मेरे घर में भी अभी कल परसों ही दूसरी हनी वहां से गई है, एक बहुत बड़ी हनी घर के अंदर हमने अपने आप नेचुरल वे में बना रखी थी। तो हनी आदमी से जितनी बी है, बी कीपिंग जो है वो आदमी को बड़े मोह ममता से अगर पाला जाए तो घर में आसानी से ये जंगली हनी भी बी जो है मधुमक्खियां वो आसानी के साथ हमारे घरों में चली जाती हैं। और अगर ऑर्गेनिक खेती हो रही है आसपास तो इनका हनी का भी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इसी तरह आपने जो बताया गाय से डिप्रेशन, ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरी बच्ची डिप्रेशन में थी तो वो गाय से बहुत स्नेह करने लगी, और उसको भी जब ये पता कि डिप्रेशन इसमें बहुत कम हो जाता है तो इसने गाय से गले लगना, गाय की किलनी निकालना, गाय को साफ सुथरा रखना और उसके शाम सवेरे उसके साथ बैठ के लगभग बात सी करना उसके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है और वो फायदा भी हमको मिलता है। तो इस तरह से हमको डिप्रेशन भर में नहीं बल्कि और चीजों में भी, जैसे टेंशन है उसको भी कम कर देता है, कोई तकलीफ है जैसे आप घरेलू लड़ाइयां हैं
उसको भी कम कर देता है। तो इसके साथ में मैं अभी थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो हमारा वर्तमान का प्लान है। आपने कहा था ना कि हमको समस्या भर नहीं समाधान भी बताना है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी हमने 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से बक्सवाहा का प्रोजेक्ट, जो संसार में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी क्वालिटी खदानें हैं उनमें से एक है, तो वो हमने लिया। उसमें जो समस्याएं थी उसका हमने समाधान भी किया। क्या है, रियो टेंटो जो ऑस्ट्रेलिया की फर्म थी वहां पर उसने सर्वे किया था और पाया था 200 फीट के नीचे ही बहुत अच्छी गोवे हैं और में भी हैं। तो इन्होंने जो ऑक्शन किया बिड़ला फर्म को, तो ऑक्शन के समय इनने ये माइनिंग शब्द लिख करके अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं की। उसका नुकसान क्या हुआ कि हमको ओपन कास्ट माइन भी एक करेंगे। अब ओपन कास्ट माइनिंग में इतने वहां पर वृक्ष हैं, इतने श्रब्स हैं, इतने तरह की छोटे छोटे झाड़ियां हैं और वहां पर पौधे हैं, काई है, सब है, ये तो विनाश में होंगे ही। और इनके विनाश से 1 करोड़ व्यक्तियों की जो ऑक्सीजन मिलने चाहिए, मिल रही है सतत, वो भी विनाश में चली जाएगी। दूसरा, वहां पर शैल चित्रों का एक बहुत बड़ा भंडार हम लोगों ने ही खोजा है। पहले किसी वैज्ञानिक ने पीएचडी करते हुए किसी प्रोफेसर में देखा था कि वहां शैल चित्र है, तो आदि मानव की जो सभ्यता के हैं वो हमने खोजा, श्रृंखला बद्ध खोजा है और वहां पर देखा है कि शैल चित्र बहुत बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो उनको विश्व धरोहर के रूप में घोषित कराना भी हमारा उद्देश्य हुआ है। इसके साथ ही हमने इनको ये कहा है कि भाई देखो, आप जो इतना बड़ा जंगल को काट रहे हो, इसके जो वन्य प्राणी हैं उनको विनाश कर रहे हो, और पक्षी हैं, मोर जैसे पक्षी हैं, इनको भी तमाम हटा रहे हो, तो इसका परिणाम क्या होगा कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी का ही विनाश कर देंगे, तो बड़ी समस्या होगी। और जो वृक्ष हैं या झाड़ियां हैं या जो भी हरे पत्तियां हैं किसी भी चीज की, वहां ये कार्बन डाइऑक्साइड खा करके जो ऑक्सीजन का प्रदान करते हैं, तो आदमी की ऑक्सीजन का फायदा तो मिलता है, साथ में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस है, तो ये गैसेस वातावरण में एक छतरी सा बना लेती हैं और उससे क्या होता है कि वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम आप देख ही रहे हैं, इरेटिक रेनफॉल होती है और बहुत सारी समस्याएं, एंटार्कटिका की बर्फ भी पिघल रही है। तो इन सब का सलूशन हमने जो शासन को दिया, हमने कहा समस्या तो है ये, पर इसका समाधान क्या है। हमने समाधान के रूप में राष्ट्रपति जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा कि समाधान है कि इसको आप अंडरग्राउंड माइनिंग से निकाल लीजिए। तो किंडर लाइम जो है उससे वहां पर की जो चट्टाने हैं भरभरा करके वहां उसके माध्यम से निकाल ली जाएंगी, और ये चट्टाने जहां पर हीरा है उसको आप ट्रेसर टेक्निक से, और चाहे रेडियो एक्टिव रेडिएशन से, चाहे सोनार टेक्नोलॉजी से, और चाहे रिमोट सेंसिंग से आप लोकेट कर सकते हैं आसानी के साथ। और इसमें एक सबसे बड़ा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई जो ऐसी खदानें हैं वो भी ढेर सारा मलबा निकालती हैं, तो हमारा उनसे सबसे कहना ये था कि भाई ये मलबा नहीं निकालेंगी, इसमें तो सीधे जो किम्बर डोलोमाइट टाइप की चट्टान है या जो भी चट्टान जिसमें हीरा है उसको वहां पर ब्लास्ट करके भुरभुरा करके उतना ही मटीरियल निकालना है, जबकि अंडरग्राउंड माइनिंग है जैसे पत्थर का है या आपका कोयले का है, इसमें तो सब सारा अंदर से निकाल दिया जाता है और वो खोखला हो जाए, तो हमको हीरे वाले में ये नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमने भारत सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को, मीन्स मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी लिखा, और साथ में इनको भी लिखा, आपके राज्यपाल जी को, खनन मंत्री को भी लिखा,
पर्यावरण मंत्री को लिखा, सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी लिखा और भारत शासन के पर्यावरण मंत्रालय को लिखा कि आप ये चीज ले लीजिए कि आप अराउंड माइनिंग से निकाल लीजिए, क्योंकि ये काफी बड़ा आंदोलन है और काफी बड़ा काम है, तो इसके लिए मुझे लोगों ने अध्यक्ष भी चुन लिया था पहले से ही। तो मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि हम समस्या तो बताएंगे आपको, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी बताएंगे। आप इसको इस तरीके से करिए कि जिसमें हमारा बायोडाइवर्सिटी और कोई भी फ्लोरा फाउना जो भी है उनका डिटोरिएशन नहीं हो, बल्कि समस्या का समाधान हो जाए। और आप हीरा भी निकाल दें, हीरा हमारे लिए कंकड़ है, आप ले जाइए, बेचिए, देश का विकास करिए, पर हमारा विनाश नहीं करिए, हमको ऊपर के सतह को रहने दीजिए जिंदा। और लालच देखिए लालच कितनी है कि लोगों ने क्यों ऐसा किया बदमाशी कि अंडरग्राउंड माइनिंग का जो रिकमेंड था उसको माइनिंग शब्द में बदल करके उनका मतलब है कि ऊपर से खोदेंगे तो 200 फीट तक गहराई में जो भी हीरा मिलेगा वो भी बहुत अकूत संपदा का है। तो ये भ्रष्टाचार की वली वेदी पर चढ़ने के कारण ये सब बदमाशी वहां चलती रही। तो हमने ये भी मांग की है कि ये जो बदमाशी हुई है, इवन जो आपका डाइवर्सिटी या पेड़ों की गणना हुई है 2,15,000 बताते हैं, जबकि उसमें लगभग 20,00,000 पौधे होंगे। और जो ये पौधे जिसके लिए हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये केवल पौधे वर नहीं निकालते, झाड़ियां भी निकालती हैं, वहां की वनस्पति भी निकालती है, जो भी चीज जंगलों में है हरी चीज वो सब ऑक्सीजन निकालती रहती है, क्योंकि वो हरे ग्रीन लीव है ये निकालती रहेंगी। तो हमने वो सब एनालिसिस करके सभी मंत्रालयों को दिया है और साथ में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है कि भाई हमको ये दे दीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे किसी हालत में तो हमको PIL भी दायर करना है, इसके बारे में भी हम वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। तो अब हमारा उद्देश्य केवल ये है कि ये समस्या का समाधान सरकार स्वयं पूछ ले, और किसी हालत में अगर नहीं है तो भाई अगर आप उसको खोदते हो तो जो नंगी पहाड़ियां हैं वहां पर उतना वृक्षों का पौधारोपण करो, उतना बढ़ाओ, पर वो उतना तभी है जब अत्यावश्यक हो, जबकि यहाँ अत्यावश्यक नहीं है, तो आपको अंडरग्राउंड माइनिंग पे जाना ही पड़ेगा। तो आप हमारे बुंदेलखंड रीजन को इस तरह से नहीं कर सकते हो कि वो जैसे पन्ना का कर दिया, पन्ना में सब हीरा उरा निकाल लिए पर पन्ना के विकास में कुछ भी नहीं लगा, पन्ना जो कहते हैं गरीब है। अगर वो पहले से ये हो जाता कि पन्ना के विकास के लिए 0.1% धनराशि जो हीरो की होती, आज पन्ना का विकास बहुत अच्छा हो जाता। इसी तरह छतरपुर के केस में बढ़ा है, पक्षबाहा में कुछ परसेंट आप कह दीजिए कि भाई यहाँ के लोकल डेवलपमेंट के लिए होगा, ये लोकल आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर लोगों का भी अच्छा फायदा मिलेगा और साथ में आप हीरा भी निकाल सकते हैं। तो मेरा मतलब है होलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप भी इस दृष्टिकोण से एक बार जरा आप वहां हो आइए, आप देखिए कि सही में कितनी समस्या है। समस्या केवल वहां के रहने वाले आदिवासियों और 15 गांव के ही है, ये जितना ऑक्सीजन ये दे रहे हैं वो ऑक्सीजन जैसे ही बंद होगी तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में कमी लाएगी। वैसे भी हमारे जंगल कट के कितना कम हो गए हैं और हम अपनी सीमा से ज्यादा कटाई कर चुके हैं, तो हमको ये विनाश से बचने के लिए विकास भी बनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो हमको ये ही पड़ेगा। और वाटर हार्वेस्टिंग हमारा बहुत जरूरी है, नहीं तो हर जगह कहीं 500 फीट में पानी था तो 1,000 चला गया नीचे, तो इस तरह वो चलता चला जाएगा, बाद में नीचे गड्ढा हो जाएगा, वहां कोई पानी नहीं रहेगा तो हम कहाँ तक ट्यूबवेल खोदेंगे, और सीमा भी है। तो इसलिए हमको अंडरग्राउंड रिचार्ज के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। चेक डैम और स्टाफ डैम के माध्यम भर से नहीं हो सकती, इसमें हमको बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, घरों के आसपास भी, खेतों के आसपास भी, जंगलों में भी, जिससे कि हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज। तो इस कारण से मेरा आपसे भी निवेदन है कि ये भारत है आपको क्राइम फ्री कहा जाए
जैसे जंगलों की कटाई कैसे रुके, कहां पर रुके? हम लोग तो अभी मैं बताता हूं, 2 तारीख से 7 तारीख तक हमने यात्रा की है छतरपुर से पैदल, कहां तक? बक्सबाहा तक, और 7-8 को, सॉरी हाँ 7 तक ये, और 8-9 को हमने अपना वैचारिक बैठक की थी। फिर हम जा रहे थे अंदर देखने, तो वहां पर गुंडे लोग 50 को पीटने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। क्यों? क्योंकि वो बिड़ला या कोई भी है, वो पाले हुए गुंडे हैं। वो कहते हैं आप अंदर नहीं घुसोगे, अगर आप अंदर तो चीजों उठा दोगे। तो हमको अंदर नहीं जाने दिया। फिर हमने इस कलेक्टर को भी किया, एसपी को भी लिखा, और इवन राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया इनके माध्यम से, एसडीएम के, कि भाई हमको अंदर जाने का क्यों मना कर रहे हो आप। तो इस तरह से अभी वो आंदोलन में हम लोगों का धरना चल रहा है, और आज कल से या तो आंदोलन में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, या जिनने हम हमको मारपीट की है उनको आपको FIR दर्ज करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग वहां से हटेंगे नहीं, वृक्षों से चिपकेंगे। और काटो, अगर हमको काटना है तो हमको ही काटो, नहीं तो कोई ना कोई समस्या का समाधान शासन को सोचना पड़ेगा। ऐसे आंदोलन हम रोकने वाले नहीं है। तो ये भी आपसे निवेदन है, इसका भी प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि बुंदेलखंड की ये जान है, पहचान है। तो उसको आपको मेरा निवेदन यही रहेगा कि हर होलिस्टिक अप्रोच, हर क्षेत्र में आप देखिए, ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा आपको, हमको और देश को और विश्व को होगा, वो बचाए जा सके कटते हुए जंगल। यही मेरा, और आप की बात से पूर्णतया सहमत हूँ और आपको पूरा समर्थन देता हूँ, और निश्चित तौर पे मैं फिजिकल रूप से भी जो वहां पहुंचूंगा, आपसे और प्रशासन से भी गुफ्तगू करूंगा, और मेरी जो है पर्सनल संपर्क से यदि इस बात को जो है ना लाभ मिलता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। मैं ये भी चाहूंगा कि जो जंगल है उसको अकेला बचाना नहीं है, उस जंगल को समृद्ध करना है और उसको जो है फिर लोकल जो पॉपुलेशन है उसके लाभ से जोड़ना है। तो हम ना केवल उस जंगल को बचाएंगे बल्कि उस जंगल को समृद्ध करेंगे और उसका सीधा लाभ जो है वो कैसे लोकल पॉपुलेशन को मिले इसके बारे में भी मुझे उतनी ही रुचि होगी। तीसरी बात जो है, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जो भी चीज निकल रही है उसका कुछ परसेंटेज वहां पर आना चाहिए। तो चूंकि माइनिंग से जो चीज निकलती है उसमें एक रेवेन्यू जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, तो उसका रेशियो बढ़ाया जाए और उससे जो है ना लोकल पंचायत को और लोकल एरिए में उस राशि का कुछ परसेंटेज केवल जो है ना उसी एरिए के डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाए, तो जो बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ राज्य, पिछड़ा हुआ रीजन है, उसको हम काफी हद तक जो है ना एडवांस कर सकते हैं। और जब हम एडवांस की बात कर रहे हैं तो हम उसमें उस एरिया के एग्रीकल्चर को एक लाभ का सौदा बनाएंगे, डायलॉग के बतौर नहीं बल्कि एंड टू एंड सपोर्ट के माध्यम से, थ्रू एग्री स्टार्टअप के माध्यम से, जहां पर कि हम नॉलेज नहीं बांटेंगे, हम जो है उनको इन स्टार्टअप के सुपरविजन में जो कराना है वो कराएंगे और उनको एक रिटर्न गारंटी करेंगे, उनको एक रेवेन्यू स्ट्रीम गारंटी करेंगे। इस तरीके की जो है ना एक होलिस्टिक पार्टनरशिप की व्यवस्था जो है ना जरूरी है। ये जो जो लोकल व्यक्ति है, जो व्यक्ति जो है फॉरेस्ट पर जो है जो जो करेंसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा कर रहा है उसको कम लाभ मिल रहा है, बीच के बिचौलिए ज्यादा लाभ ले जा रहे हैं, इस व्यवस्था को टेक्नोलॉजी और पार्टिसिपेशन के माध्यम से हमें बदलना ही होगा। और ये व्यवस्था शायद जो है गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे जो ये मिडिल मैन है यही फाइनेंस कर रहे हैं, तो अपने दूध देती गाय को कौन छोड़ना चाहेगा? यदि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो लोग हैं ये जो ढेर सारा चंदा इन नेताओं को दे रहे हैं, उनको उनके हितों का संरक्षण करना जो है वो सरकार के लिए ज्यादा जरूरी हो गया है, रादर देन गांव के लोकल पॉपुलेशन को, गांव के लोगों के जो है ना उनका। तो ये जो अभी तक की जो एक्सप्लाइटेटिव व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमें जनता के हित में, रूरल पॉपुलेशन के हित में, केवल शब्द जाल के माध्यम से नहीं बल्कि करके दिखाने वाले अंदाज में, और उस करके दिखाने वाले अंदाज में भी हम कम से कम कष्ट जो है वो उस किसान को पहुंचाएं,
और हम उसे अनावश्यक ज्ञान बांटने की भी कोशिश न करें। यदि हमें कुछ ज्ञान बांटना भी है, उसको वहां इम्प्लीमेंट भी कराना है, तो उसके लिए हम रूरल यूथ का जो है ना एक फौज पैदा करें, वॉलंटियर्स पैदा करें, उन्हें स्पेशलाइज ट्रेनिंग दें, और जो भी वो काम करें वो मुफ्त में ना करें, वो उनके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम फ्लो हो, तो वो एक होलिस्टिकली मोटिवेटेड होकर वो कार्रवाई करेंगे। और ये भी सुनिश्चित करना है कि चाहे वो वॉलंटियर हो चाहे वो किसान हो, वो भी नेगेटिव चीजों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। आज हमारा किसान भी दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी बहुत सारी नेगेटिव चीजें कर रहा है, वो उसको इतने सारे लाभ मिल रहे हैं लेकिन फिर भी वो नेगेटिव चीजें भी कर रहा है। अल्टीमेटली जो भी एग्रीकल्चर की चीज में नेगेटिव हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों की सहभागिता से ही हो रहा है, चाहे वो ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर हो, केमिस्ट जो है ना पेस्टिसाइड हो। आज किसानों को छोड़ दीजिए, यार हर कोई जो है धन कमाने के लालच में दूसरे के लिए मौत का गड्ढा खोद रहा है। यदि आप गड्ढा खोदेंगे और ये सोचेंगे कि दूसरा इसमें गिर के मरेगा, तो ये आपकी बहुत ही त्रुटिपूर्ण थिंकिंग है। उस गड्ढे में आप खुद भी गिरेंगे और आप खुद बच भी गए तो आपकी किथन किन तो जरूर गिरेंगे। तो लिहाजा हम जो है एक नेगेटिव व्यवस्था स्थापित ना करें, हम एक पॉजिटिव व्यवस्था स्थापित करें, और उस व्यवस्था के लिए आओ हम सब मिलें। आओ, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत में जुड़िए, और हम एक ऐसी व्यवस्था अपनी स्ट्रेंथ पे करके दिखाएंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे कि हम जो है जो कह रहे हैं बिना जो है ना अनावश्यक ज्ञान बांटे, बिना अनावश्यक कष्ट दिए, जो भी हम करना चाहते हैं एंड टू एंड वहां पे सॉल्यूशन पहुंचे, और बदले में जो सर्विसेज दे रहा है उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिले। बट बीच का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वॉलंटियर्स हो चाहे वो स्टार्टअप हो, अनड्यू प्रॉफिट कैप्चरिंग की छूट किसी की नहीं होगी। तो यदि हम उस तरीके की व्यवस्था से जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है हमारे किसान जो है हेल्दी भी होंगे, वो वेल्दी भी होंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी होगा, जो कि एग्रीकल्चर से भी आएगा, रिलेटेड सर्विसेज से भी आएगा, प्रोसेस इंडस्ट्री से भी आएगा, और जो वेल्थ क्रिएट होगी, मेरी सोच तो ये है कि उस वेल्थ को भी हम कैसे चैनलाइज करेंगे, तो उस पॉइंट पे भी हम अभी से विचार करके वी विल कम आउट विद द मॉड्यूल्स सो दैट द वेल्थ जनरेटेड इन द रूरल एरिया दैट शुड गो इन द राइट एरिया फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर द स्पिरिचुअलिज्म, फॉर द बॉन्डिंग एंड क्रिएटिंग ए राइट काइंड ऑफ द एटमोस्फियर इन द रूरल एरिया। इसके साथ ही मैं जो है इस वक्तव्य को जो है ना यहाँ पे विराम देता हूँ। डॉक्टर सदाचारी तोमर जी, जिन्होंने लाइफ टाइम काम किया है और अभी भी बहुत एक्टिव होके काम कर रहे हैं 71 साल की उम्र होने के बावजूद भी, मैं उन्हें साधुवाद के लिए धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि उनका अनुभव और उनका लाभ जो है क्राइम फ्री भारत और को भी मिले, और जो हमारे 18 भारत की हमने जो कल्पना की है जिसमें कि धन की वर्षा होगी, जिसमें कि पर कैपिटा इनकम विल ग्रो बाय 3 times एंड GDP में ग्रो 5 times, और उसमें विद द लीस्ट ऑफ द जो है ना एक्सपेंडिचर ऑन द साइड ऑफ गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट वुड बी क्रिएटिंग सो और सो मच रेवेन्यू वुड बी क्रिएटेड फॉर द गवर्नमेंट, प्रोबेबली आवर डिपेंडेंसी ऑन टैक्स विल बी मिनिमाइज। तो हम जो टैक्सेशन रखेंगे वो मिनिमम रखेंगे, 5% के आसपास रखेंगे, और इट इज मोर फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग, जिससे कि इल गॉटन मनी जो है ना नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो ब्लैक मनी, एवरीथिंग विल बिकम व्हाइट। जब टैक्सेशन कम हो जाएगा तो देयर इज नो इंसेंटिव टू अननेसेसरी मेक देयर मनी ब्लैक, और जब पूरी की पूरी मनी जो है ना व्हाइट के फॉर्म में अवेलेबल होगी तो हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, हम उसको जो है ना बड़ी प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे, और हमारा ग्रोथ रोड जो है वो 10% या 25% को भी हम टच कर पाएंगे। हम अपने भारत को एक वैदिक भारत के रूप में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। आओ हम सब मिलके एक ऐसे भारत को, एक ऐसे यथार्थ को कन्वर्ट करें। हमें ये बात को सोचना होगा कि हमारे जो राजनेता हैं वो अपने हित को साध रहे हैं, वो अपनी कुर्सी को साध रहे हैं, वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, ये इस प्रवृत्ति से उन्हें करना पड़ेगा। अभी जो अपन कहते हैं डेमोक्रेसी, इट इज नॉट ए रियल डेमोक्रेसी, वी हैव ऑलरेडी मूव्ड इन ए पॉलिटिकोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
अब पीपल तो इसमें से गायब हो गया है, वो ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बना के वोट देने की मशीनरी बन गया है। नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम द डेमोक्रेसी टू द पॉलिटिकोक्रेसी। पॉलिटिकोक्रेसी की डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन, बाय द पॉलिटिशियन एंड फॉर द पॉलिटिशियंस। अनफॉर्चुनेटली इन पॉलिटिशियंस में 43% जो है ना दे आर क्रिमिनल्स एज पर देयर ओन एडमिशन एंड 29% दे आर हैविंग वेरी वेरी सीरियस ऑफेंसेस ऑफ द मर्डर, रेप एटसेट्रा। यदि हम लोग सही समय पर नहीं चेते तो ये 47 का 50% से ऊपर पहुंच जाएगा और हम पॉलिटिकोक्रेसी से क्रिमिनलोक्रेसी में जो है ना पहुंच जाएंगे। व्हाट इज द क्रिमिनलोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। वो बहुत ही बेहावा स्थिति होगी जहां क्रिमिनल्स की सरकार होगी, क्रिमिनल्स की पुलिस होगी और आप में डंडे लगाए जाएंगे। आओ इसके पहले ऐसा हो हम इस व्यवस्था को बदलें अपनी शक्ति से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी सोच से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने पार्टिसिपेशन से, बेहतर विद दिस गवर्नमेंट और विदाउट दिस गवर्नमेंट। जय हिंद, जय भारत।